साधना पंचकम ये परम पूज्य आदि शंकराचार्य रचित साधक को पांच विधान बताना, पांच पद्धति बताना, जिससे वो साधना पथ से डगमगाए नहीं, क्योंकि जो साधना नहीं करते उनके जीवन में कदाचित कभी भी कष्ट नहीं आता। कष्ट उनके जीवन में आता है जो साधना करते हैं। बवंडर उनके जीवन में आता है जो साधना करते हैं। जो साधना नहीं करते उनके जीवन में कहां से पेन आएगा, पीड़ा आएगा, कष्ट आएगा। और साधना किसका है, सबसे जरूरी किसका साधना है? बोला मन का। और मुख्यतः इस साधना में दो मार्ग बताते हैं। पहला ये है जो चिराचरित कथित मार्ग है, मन को दबाओ, बंद करो, तोड़ो, काटो, एकदम नहीं करना, ऐसा संकल्प लो, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे, ऐसा एकदम हिलना डोलना नहीं है, स्ट्रिक्ट। और जितना जोर से आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो उतना जोर से ही आप गिर जाते हो। और एक मार्ग है भगवान ओशो का कि आपको अगर सिगरेट पीने का इच्छा हो रहा है पियो, कस के पियो, दारू पीने का इच्छा हो रहा है पियो, भगवान ओशो कहते हैं होश में पियो, ऐसा पियो कि जानो। और एक मार्ग है साधना का जिसमें कहा जाता है दारू का भट्टी जाना ही नहीं है, सिगरेट के तरफ देखना ही नहीं है। समझ में आ रहे हैं? सिगरेट जो भोग वस्तु है उस तरफ नहीं जाना। ये दो मार्ग है, आपको किस में क्या करना है ये आपके ऊपर है। और इसलिए अगर आप शंकराचार्य भगवत भगवान शंकराचार्य के मार्ग में चलते हो तो कल जैसे पहला सूत्र हम लोग विचार किए थे, वेदो नित्य अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। नित्य वेद को अध्ययन करते हुए उसी प्रकार कर्म को अनुष्ठान करना। आप मैकोले एजुकेशन में स्कूल कॉलेज में पढ़ लिए, जीवन में उतारने का कोई विषय है क्या? आप स्कूल पढ़े थे ना, कॉलेज पढ़े थे ना आप, तो उसमें किसी भी प्रकार का कुछ जीवन में उतारना, जीवन के आचरण में लाना, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका जीवन में उतारना है, क्या करोगे? सब ठोकोगे, माथा ठोकोगे? औरंगजेब क्या किया जीवन में उतारना है, क्या उतारोगे? औरंगजेब क्या किया? मुगल सम्राट अकबर बादशाह ऐसा ऐसा कर रहे थे, आप करोगे? नहीं, नहीं ना। तो उसमें जीवन में कुछ उतारना है, केमिस्ट्री में है? नहीं ना। H2SO4 में क्या होने वाला है, आपका क्या काम? रटो, रट के याद रखो। लेकिन गुरुकुल जीवन व्यवस्था में सबसे पहला वेदो नित्य अधीयताम, पहला सूत्र क्या बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि पहला है कि वेदो नित्य अधीयताम, प्रतिदिन पढ़ना। और ये वेद पढ़ना यानी क्या? पढ़ना शब्द नहीं लगाया, पढ़ना आपके लिए बोल रहा हूं,
क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाओगे। अधियतम अध्ययन, क्या बोला? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन माने पढ़ना नहीं है। अध्ययन को हमारे गधे लोग पढ़ना बता दिया। नित्य अधियतम, और उसके बाद तदुदितम, उसी अनुसार। तदुदितम अर्थात उसका ट्रांसलेशन तदुदितम अर्थात उसी अनुसार नहीं है। कर्म स्वनुष्ठीयताम, उस प्रकार जीवन में आचरण करना उतारना। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या, एक लंबा विषय आएगा तो हम लोग आगे इसके विषय में भी व्याख्यान करेंगे। तेने शस्य विधीयताम अपचिति कर्मे मति काम्ये मति स्तज्यताम। इस जगह में आ गया काम्ये मति, जो भी कामनाएं हैं उसमें जो मति लगता है उसको त्याग करना। मन बोलेगा थोड़ा केला खाएंगे तो त्याग करना, ये साधना का बिंदु है। मीठा खाएंगे थोड़ा त्याग करना। मन बोलेगा थोड़ा सिगरेट पिएंगे थोड़ा त्याग करना। ऐसा ऐसा है क्या? ये सामान्य भाषा है। साधना का भाषा क्या है? इतना ध्यानस्थ होना है, मन को इतना शांत करना है कि उस तरफ कामना उत्पन्न हो ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर? और जीवन में जब जब आप कर्म और साधना, जैसे कल मैंने बता रहा था आपको कि कर्म योग जब आप चालू करते हो, पसीना बहाना है, मेहनत करना है, शरीर बोलेगा काम करो, शरीर कभी नहीं बोलेगा काम करो, क्योंकि शरीर और मन दोनों को क्या चाहिए? बहाना। नहीं कैसे करना, टाइम नहीं हुआ गुरुजी, बहुत सारा काम है गुरुजी, ये नहीं हो पा रहा है गुरुजी, यहां संभव नहीं है गुरुजी, मेरे को हिमालय का टॉप दे दो गुरुजी, उधर ही हम पूरा एकदम ध्यानस्थ हो जाएंगे गुरुजी। अब उनको भेज दो हिमालय, करेगा? ठंडे ठंडे बोले। ठीक है समझ आ रहा है बात? हाँ, आपको साधना हमेशा याद रखना विपरीत परिस्थिति में ही करना है। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको साधना के लिए उपयुक्त तो सब कुछ दे देता हूं, बढ़िया रूम दे देता हूं, उधर टॉयलेट लेटरिन बाथरूम सब बढ़िया दे दिया, एसी वसी सब दे दिया, अब साधना होगा? होगा तुमको ऑल गैजेट्स, दो तीन नौकर भी दे दिया, नौकर ले लो, हाँ क्या करना है? इसको साधना करना है। होगा? होगा नहीं होगा। तो हमेशा जहां इम्पॉसिबल है वहां साधना करना है। आप बोलोगे कि सब सुविधा हो जाए और साधना करना, होगा नहीं उस समय? तो और बोले आप रहने दो, कल साधना कर लेंगे, अभी सो जाओ, अभी तो स्वर्ग में है। ठीक है, जो शांत व्यक्ति है वो हर जगह में शांत रह सकता है, लेकिन जो अशांत व्यक्ति है उसको हिमालय का टॉप में छोड़ दो, क्या करेगा? उधर भी अशांति फैला देगा। समझ में आ रहे हैं? जो साधना करने वाला है वो हर विपरीत परिस्थिति में साधना। मेरा एक मित्र है, शादीशुदा है, दो लड़कियां हैं उसका, और एक पागल बाप भी है, और एक और पागल माँ भी है। ठीक है, और उसको हमेशा आई जाओ बच्चा को ट्यूशन छोड़ के आओ, आई जाओ उधर गधा जैसे प्लांट में काम करके आओ, ऐसा है मेरा भी प्यारा मित्र है। ठीक है, और वो उसको बोलते हैं आई जाओ, थोड़ा सा वो गधा टाइप का है, तो वो उसको घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, ये काम करो वो काम करो, तुम कुछ काम करता नहीं है, तुम घर में कुछ करता नहीं है, तुम बेकार है, जाओ उधर ऐसा करना, जाओ उधर ऐसा करना। लेकिन वो माता काली का परम भक्त है, वो कैसा करके ठक पीट के टाइम निकाल के वो अपना जाके दो तीन घंटा अपना साधना ध्यान तपस्या कर लेता है।
और जहां करता है वहां भी डिस्टर्बेंस बहुत है, ये नहीं है वो नहीं है, वो नहीं करता, वो उधर से कोई कबाड़ ढक 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 कर रहा है, कोई आके उसको चेकिंग करता है क्या कर रहा है, इधर तंत्र मंत्र कर रहा है क्या, ठीक है, तो होता है, उसके बावजूद वो करता है और उसके पास बहुत काम है, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है उसको अटेंड करना उसको अटेंड करना इधर काम है, उसके बाद भी वो टाइम निकाल के वो करता है। साधना का पराकाष्ठा यही है, मुख्यतः आध्यात्मिक साधना, याद रखना। तुमको शारीरिक साधना में उतना कष्ट नहीं आएगा, तुम अभी जिम जाओ बॉडी बनाओ कोई कष्ट नहीं देगा, बल्कि घर वाले पैसा देंगे जाओ वो प्रोटीन पाउडर खाना शारीरिक साधना है ना, या फिर कुछ बोलो गिटार उटर सीखना है टिंग टिंग, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है तो हम भी टिंग टिंग करेंगे, ज्यादा कष्ट नहीं आएगा। लेकिन जहां आध्यात्म साधना का बात है, ध्यान तपस्या का बात है, तो घर वाले तुम्हारा बीबी बच्चे डाउट करेंगे, ये कहीं बाबा जी नहीं हो जाए तो कहीं भाग तो नहीं जाएगा घर द्वार नौकरी छोड़ के, तो दे डिस्टर्ब यू, क्योंकि नेचर्स लॉ है कि आप जब आगे बढ़ना चाहते हो तो नेचर खींच के आपको नीचे डालेगा। और सबसे बड़ा दुश्मन कहां जानते हो ना, देखो तुम्हारा सफलता तभी है जब तुम्हारा अच्छे अच्छे दुश्मन बनते हैं, समझो, याद रखना, उस दिन तुम सफलता का पहला सीढ़ी चढ़ गए जिस दिन देखा कि तुम्हारे इर्द गिर्द शत्रु ही शत्रु खड़े हैं, तुम्हारे अपने ही शत्रु खड़े हैं। राम का औकात नहीं था रावण को मारने का, विभीषण जैसे शत्रु अगर रावण का नहीं होता। और हमेशा याद रखना, जीवन का अनुभव से कह रहा हूं, शत्रु अपने पास वाले ही होते हैं, अपने वही चाचा ताऊ माऊ, पूरा महाभारत देख लो, चाचा मामा ताता काकू पप्पू ये सभी रहेंगे, ये लोग षड्यंत्र करेंगे, दूर वाले का क्या जरूरत तुम्हारे साथ षड्यंत्र करना, तुम्हें साधना करने नहीं देना, उनका क्या जरूरत, वही लोग पैर खींचेंगे पास वाला, ठीक है, वो तुमको बोलेंगे अरे ची साधना क्या, जाओ काम करो नौकरी करो पैसा कमाओ, क्या पागलपन है और ध्यानस्थ हो जाओगे देखोगे शत्रु कहीं और नहीं बैठा, कहां बैठा है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मन का भाव, यू आर थिंकिंग। और गीता में तो कृष्ण भगवान यहां बोल दिए, आत्मनैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, तुम्हारा कोई मित्र शत्रु नहीं है, तुम तुम्हारा ही शत्रु है, और उस क्षेत्र में तुम साधना करने के लिए आ रहे हो, वो भी आध्यात्म साधना करने के लिए आ रहे हो, तो ये आध्यात्म साधना है, तू ये साधना पंचक, और उसके लिए तुम सही पाथ में जा रहे हो कि नहीं, इसके लिए वेद नित्यो अध्ययन, इसलिए सुबह सुबह क्या बोलता हूं, अध्ययन करो, दे दिया इसलिए छोटा सा किताब, छोटे छोटे ऋचाओं को देखो वेद का, फिर बड़े बड़े ऋचाओं में जाना, और तदुदितम उसी के अनुसार आपके जीवन में कर्म को करना। अच्छा, जब कर्म करोगे ना तो अहंकार आ जाएगा, मैं कर रहा हूं, जैसे नया नया नेचुरोपैथिस्ट होता है ना, वो बोलता है मैं मिट्टी पानी चिकित्सा करके तुम्हारा रोग ठीक कर दूंगा अरे तुम कौन है, कैसे ठीक करेगा, तो ये अहंकार है, ईगो है, मैं था बोल के हुआ, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं ये जो मैं ये जो अहंकार है, ये अहंकार जब तदुदितम कर्म अनुष्ठीयताम करोगे, कर्म करने लगोगे तो अहंकार बढ़ेगा। जैसे मैकॉले एजुकेशन में बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, तो क्या बनता है, आई एम एम ए पी एच डी। अब वो किसी को सुनते नहीं है, बोलते हैं मेरा बाप गधानंद सरस्वती, मेरा माँ परम गधी, ये क्या जानते हैं, मैं ज्यादा जानता, लेकिन तुलसी को पानी भी देने नहीं जानते, बस समझे, जैसे तुम लोग आए हो, तुमको अगर बोलूंगा कि अभी यहाँ यज्ञ कुंड बनाना, जानते हो हाँ या ना बोलो, नहीं जानते हो, हाँ वही बात है, पढ़ लिया बहुत, क्या एम ए पी एस सी ग्रेजुएट कर लिया, अब यज्ञ कुंड बनाना नहीं जानते, सामान्य चीज, इस यज्ञ कुंड से विश्व ब्रह्मांड बना, इस यज्ञ कुंड से सब कुछ मिला, इस यज्ञ कुंड से राम जन्मे, इस यज्ञ कुंड से पाशुपतास्त्र निकला, इस यज्ञ कुंड से द्रौपदी निकले, मैंने इस यज्ञ कुंड से सारे अस्त्र शस्त्र यंत्र तंत्र मंत्र सब निकला, और इस धरती में रहने वाले महानुभाव कॉलेज का मैकॉले का कॉलेज का डिग्री लेने वाला यज्ञ कुंड बनाने नहीं जानता, समझ में आ रहा है ना फॉल्ट कहाँ है, तो इसलिए क्या बोला, तेने सस्य विधीयताम, तेने सस्य विधीयताम,
काम्ये मतिस्तज्यताम, कामना से जो जो आपके मन में कामनाएं हैं, अच्छा देखने के लिए, हाँ बढ़िया देखूंगा, बढ़िया सुनूंगा, बढ़िया खाऊंगा है ना, हल्का हल्का नरम नरम स्पर्श करूंगा, ऐसे जो कामनाएं हैं, या जीवन में और सारे मन बहुत सारे कामनाएं आएंगे, जैसे यहाँ आ गए ना गुरुकुल में, अरे ये पता नहीं है, हम तो सोचे थे कुछ अध्ययन अध्ययन पढ़ाई पढ़ा पठन पठन होगा, ये तो मात्र आधा घंटा अपना क्लास देते हैं और बाकी टाइम तो साधना करवाते रहते हैं, ये पता नहीं यहाँ कैसे सेट होगा मेरा, है ना। तो फिर मन बोलेगा चलो भागो, मन हमेशा भागते रहता है, भागने का नाम है मन, विराजो महाराज, ठीक है। तो उस मन को हमेशा व्यस्त रखना साधना में, और साधना क्षेत्र में बांध के रखना, तब जाके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ये कैसे होगा, जब ईश्वर को समर्पण करके काम करोगे, देखोगे कि कुछ कार्य तो ईश्वर करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, और कुछ कार्य क्या, हर चीज बिना उसका इच्छा एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं करता हूं क्या, मैं नहीं करता, मेरे शरीर में रक्त चल रहे हैं ना, मैं चला रहा हूं नहीं, रक्त खून बंद हो जा, बंद होगा नहीं, समझ में आ रहे, खाना तो खा लिया, हजम करो, हजम करो, होगा नहीं होगा, तो कुछ तो ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है, ठीक है ना। तो ये समझ के कि ईश्वर के द्वारा हो रहा है, इसलिए ईश्वर को समर्पण करके कर्म को करना, तदु हितम, उसी अनुसार अनुष्ठान करना, ईश्वर को समर्पण करके कर्म को करना, मैं नहीं कर रहा हूं वह कर रहा है और यह कर्म उसके लिए है, इस भावना से करना, सेम थिंग एज कर्म योग, क्लियर। पापौघ परिधूयताम भव सुखे, जितने प्रकार के पाप हैं संसार में, हर एक प्रकार का पापों को, पापौघ पर ये दूसरा सूत्र में आ गया, इसको हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में ये दूसरा पार्ट है, कल पहला वाला पार्ट था, तो दूसरा फिर से एक बार हम लोग, तेने शस्य विधियताम अपचिति काम्ये मति स्तज्यताम, काम्ये मति स्तज्यताम, काम्ये मति स्तज्यता, ये दूसरा सूत्र है साधना पंचकम का, ठीक है, स्टॉप, क्लोज इट।